बोगा माटी में आप कुछ नहीं है, यही लास्ट है यहाँ पे, सब कुछ खा लिया, अब ग्रासलैंड जाएंगे, उसका अलग वीडियो बनाएंगे तब तक। हम तो आ सकते हैं यहाँ पे, मैं हमेशा आ सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे जो रिश्तेदार का घर है, लेकिन हम आते नहीं है। आने में भाई 2 किलोमीटर अंदर है, रोज नहीं आ सकते। रिश्तेदारों का घर है हमारा, रिश्तेदार करके लूट लिया। हाँ, रिश्तेदारों ने लूट लिया हमें, तो अभी हम ग्रासलैंड जा रहे हैं। सही है सर, सब ग्रासलैंड का रास्ता आने वाला है भाई, बहुत अंदर है, बहुत ज्यादा, कम से कम हमने 3-4 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर तो है ही ना अंदर, 4 हाँ भाई, बहुत अंदर है ग्रासलैंड, और रास्ता भी ठीक नहीं है, जैसे रास्ते हैं छोटे छोटे, यहाँ पे 2 गाड़ी आ भी नहीं पाएगी ना, और पहाड़ी पहाड़ हो रहे, और आज कल जल्दी शाम भी हो जाती है तो हमें जल्दी भी जाना है, बहुत ज्यादा खराब रास्ता है यहाँ पे। मतलब ऐसे रास्ता में ना बाइक वाइक सही है, गाड़ियों का काम नहीं है, सब थार वार हो तो आराम से हो जाए। सीनरी बहुत अच्छी है भाई, देखो हर जगह पानी। तो यार अभी हमें यहाँ पहुँच गए, ग्रासलैंड ना थोड़ा सा और आगे है यहाँ से, मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ। इतने छोटे छोटे रास्ता, मतलब कार जाने के लायक के रास्ते नहीं है, और पता अंधेरा भी होने वाला है, ये देखो सूरज भी ढल रहा है, तो ग्रासलैंड में भी कुछ नहीं है, मेरे को पता चला है कि यहाँ पे ना बस बड़े बड़े जो ग्रास, मतलब जो घास है ना बड़ी बड़ी सी हो जाती है, और वो देखने लोग आ जाते हैं, बस बेकार है। तो इससे जो तो हमें एक यहाँ पे वो मिला है जगह, जहाँ पे पहाड़ दिख रहे हैं सामने, मैं आपको दिखाती हूँ, रुको पास से, बार बार सब खराब हो गए। तो यहाँ पे ना एक जगह है, एक मिनट ये देखो मैं दिखाती हूँ आपको, देखना पहाड़ इतने सामने से दिख रहा है ना, यहाँ सनसेट हो रहा है और पहाड़ इतने ज़्यादा सामने मेरे, इतने ज़्यादा सामने, मैं आपको दिखाती हूँ सब एक बार, पूरा व्यू दे देती हूँ कैसा लग रहा है, देखना देखो कि पहाड़ कितने सामने सामने दिख रहा है हमें, मैं आपको आगे जगह दिखाती हूँ, यहाँ सनसेट हो रहा है देख रहे हो, मतलब ये ना रास्ता भी सेफ नहीं, क्योंकि लोग कुछ लोग जो है वो अल्कोहल यहाँ पे पी के आते हैं, फिर ना सेफ नहीं रहता। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, पहाड़ भी धुंधला हो गया, पहाड़ भी हमको दिख नहीं रहा, ये देखो। तो बस ना वहाँ पे भी ऐसी है कुछ ग्रासलैंड में, थोड़ी सी जो पानी की आवाज़ आ रही है हमें, पानी की साउंड आ रही है ना वहीं पर, तभी हम वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि गाड़ी नहीं जा सकती बिल्कुल भी, बड़े बड़े पत्थर हैं ना, तो वहाँ कहीं फंस जाएगा, हम पे स्टेपनी भी नहीं है जो चेंज हो पाए बाद में, तो यही है देख लो। ये देखो कितनी दूर, बहुत दूर आ गए भाई हम, भाई ऐसे थोड़ा थोड़ा चलते चलते ना, किसी भी लोग से पूछे ना हमें तो बोलते थे कि 2 किलोमीटर आगे, 2 किलोमीटर आगे, हम 2-2 किलोमीटर आगे आते आते पता नहीं इतने आगे आ गए कि अब भाई पीछे जाने में हमको लग जाएंगे 10 किलोमीटर। ये देखो यही है बस, तो यहाँ बोगा माटी से ये कम से कम है दूर, थोड़ा टाइम तो लगता है क्योंकि 10 किलोमीटर तो मेरे को लगता है कि हम गाड़ी से आ गए बोगा माटी से। ये देखो कितना अच्छा, मतलब पहाड़ तो ऐसे देखने को मिलते नहीं है, और ये देखो मेरे पीछे ही पहाड़ है, ये जो सारे दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे धुले धुले पहाड़ी हैं। और हम जा रहे हैं इससे पहले, अभी बज रहे हैं कुछ 4 बज रहे हैं, तो हम जा रहे हैं कि इससे पहले अंधेरा हो जाए और यहाँ से निकलने में जानवर भी आ जाते हैं, क्योंकि हाथी वाती है ना वो यहाँ पे आसपास के घरों में जो यहाँ पे रहते हैं ना वहाँ पे आ जाते हैं खेत वेत में, तो इसलिए ना हम सेफ नहीं लग रहा, तो हम जा रहे हैं क्योंकि अंधेरा होने से पहले यहाँ से अगर कच्चे रास्ते से निकल जाए तो सही है, उसके बाद फिर पता नहीं, क्योंकि उजाले में ही सही है निकल जाना, वरना तो फिर क्या हो जाए पता नहीं चलता अभी, तो क्योंकि घर भी दूर ही है हमारा, तो फिर हम चलते हैं अब, एक आध फोटो क्लिक करते हैं यहाँ पर, और मैं आपको दिखाती हूँ
यहाँ पे रास्ते तो बहुत जा रहे हैं छोटे छोटे, लेकिन पता नहीं चल रहा कि ये लोग ना कहाँ कहाँ जा रहे हैं, मतलब रास्ता भी ना पता नहीं चल रहा अच्छे से हमें। एक तो हम नए हैं तो हमको खुद को पता नहीं चलता कि रास्ता कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। और मैं आपको रास्ता दिखाऊँ ना, अभी मैं दिखाऊँगी आपको कि रास्ता कैसे दिखाती हूँ मैं आपको रास्ता, एक बार रास्ता दिखाती हूँ कि रास्ते में कितने बड़े बड़े पत्थर है ना, आपको पता चलेगा। देखना देखो भाई, ये ऐसे रास्ते जा रहे हैं, देख रहे हो, ये देखो ऐसे ऐसे रास्ते हैं। तो मतलब ना यहाँ पर ना गाड़ी वाड़ी फंस जाएगी, और रास्ते में इतने बड़े बड़े पत्थर है, इतने बड़े बड़े पत्थर है, ये देखो मतलब सीन तो यार बड़ा गजब का है। लेकिन यार कोई गाड़ी वाड़ी फंस जाए तो सेफ नहीं है फिर, क्योंकि कोई आ भी नहीं पाएगा यहाँ पे, और हम किसी को बता भी नहीं पाएंगे कि आना कैसे, तो इसलिए फिर यहीं से वापस लौट चलते हैं इसी में। यार ठीक है देखो, एक बार इसको देखो यार कितना प्यार लग रहा है, सब धुल्ले धुल्ले जो है ना सब पहाड़ है। ये देखो इसमें अलग लाइटनिंग आ रही है, ये देखो झरना नहीं पानी वानी की आवाज़ आ रही है, तो कहाँ पे है पानी, वो देख के आते। पानी है वहाँ, कहाँ है, तो हम पानी देखने चलते हैं। कहाँ पे पानी, हाँ तो इधर देखो, ये देखो रास्ता, इसी रास्ते से आए थे हम, और इसी यहाँ पे रास्ते में देखो सब जंगल है ये सब। अब यहाँ साइड में पानी की आवाज़ आ रही है, पानी देख के आते, दूर ही हो रहा है, वो मेरे को बुला रहे हैं, वो लोग कह रहे ग्रास लाइन ही चलते, थोड़ा सा दूर हो रहा है। हमने पूछा था, कोई आ भी नहीं रहा था ना इस रास्ते से, तो हमको लोग नहीं मिल रहे थे, तो अभी हमने एक साइकिल में बच्चे आ रहे थे उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि यहीं पे है, इस साइड से जाएंगे तो मिल जाएगा, चलो चलते हैं फिर। जो ने बताया कि अभी यहीं पर है पास में, तो जाके देख के आते जल्दी जल्दी फटाफट से, अंधेरा हो जाए गाड़ियाँ बैठ जाते। फाइनली हम ग्रास लैंड में आ गए, यही ग्रास लैंड है भाई, ये जो मैं बता रही थी ना घास है, ये है यही ग्रास लैंड। अब देखो यहीं पे सामने पानी है, इसी पानी की आवाज़ आ रही थी बहुत तेज, हाँ पानी की जो बहुत तेज वो आ रही है आवाज़ नीचे का। अच्छा ये ग्रास उग रही है ना, यही है ग्रास लैंड, हाँ चलो हम थोड़ा नीचे होके देख के आते हैं ग्रास लैंड को, एक बार नीचे चलते हैं। ये देखो रास्ता कैसा है, देखो आ जा नीचे जा रहे हम, हैं कितने बड़े बड़े पत्थर है यहाँ पे, ये जो बड़ी बड़ी घासें हैं ना इनको ही कहते हैं ग्रास लैंड यहाँ पे, हम ना कोई अच्छी सी जगह वगह होगी। ये देखो तो यही है ग्रास लैंड, पता मेरे को ऐसा लग रहा है मैं इस जगह में आई हूँ। हाँ जब हम पता हमारे यहाँ पे जो हमारे रिश्तेदार हैं उनकी बेटे की शादी थी ना, तो उसमें ना हम यहाँ पे आए थे, और सेम ऐसी पत्थर था, मैंने यहाँ पे फोटो भी खींची थी, और ऐसी था पूरा। अभी ग्रास लैंड बोलते हैं इसको शायद, ये घास उग गई इसलिए, क्योंकि मेरे को पता है मैं यहाँ पे आई हूँ पहले, क्योंकि मेरे को पता नहीं था, बहुत सालों बाद अब आई हूँ, तो मैं यहाँ पे ग्रास लैंड बोलते हैं इसको। गाड़ी देखो ऊपर खड़ी है, और हम कितने नीचे आ गए हैं, यही ग्रास लैंड है जहाँ थोड़ी सी बड़ी बड़ी घासें हैं, और घासें उग के अभी ग्रास लैंड बना दिया इन लोगों ने। ठीक है यहाँ सनसेट होने वाला है, और ये देखो पत्थर में चढ़े हैं हम अभी, पीछे पानी है, यही ग्रास लैंड है, और वहाँ पे धुआं क्यों हो रहा है, अच्छा अंधेरा हो रहा है इसलिए, वहाँ पे बहुत धुआं हो रहा है, मैं आपको दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में कि उस साइड में ना धुआं धुआं सा हो रहा है, और यहाँ पे तो प्यारा सनसेट हो रहा है पीछे मेरे, तो मज़ा आ गया। यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े पत्थर हैं, बहुत ही बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पे, यहाँ देखो आपको दिख रहा है ये जो पीछे है ना, ये सारा पूरा धुला धुला सा हो गया है, ये दिख रहे होंगे आपको व्लॉग में, अगर कैमरे में तो
दिख नहीं रहा होगा, इतना शोर नहीं कर रहा होगा, लेकिन मेरे को दिख रहा है यहाँ पे बहुत ना पीछे अंधेरा सा हो गया और इतना प्यारा लग रहा है ना, वो इतना प्यारा लग रहा है, मतलब कैमरे में मेरे को लगता नहीं इसकी जो ब्यूटी है ना जस्टिफाई हो पाएगी क्योंकि इतना प्यारा लग रहा है। तो अब अगर आप खुद देखने आओगे ग्रासलैंड को तो ज़्यादा प्यारा लगेगा, ऐसे तो कैमरे में पता नहीं कैप्चर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत लोग आए यहाँ पे देखने, तो पीछे से देखो धुल्ला सा हो रहा है, यहाँ सनसेट हो रहा है इसलिए इतनी हमारे फेस पे इतनी वो रोशनी आ रही है। मैं आपको दिखाती हूँ पानी भी, इतना प्यारा लग रहा है ना, इतना प्यारा, मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बैठे रहो और इसे निहारते जाओ, बस कुछ मत करो, इसे निहारते जाओ और कुछ मत करो। पीछे लोग भी आ रहे हैं, सब बाइक वाइक लेके आए, कार वार तो मत लेके आओ क्योंकि कार वार लेके आए से फंस ना, आपकी कार फंस सकती है अगर स्टेपनी नहीं है तो, और अगर आपको कार के टायर चेंज करने नहीं आते तो बेकार है, वैसे आप आ सकते हो। तो अभी हम कुछ फ़ोटो क्लिक करते हैं, ठीक है, और इन्जॉय करते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पे, फिर हम वापस चले जाएंगे क्योंकि अंधेर होने से पहले जाना हमें। चलो फिर, तो अब शाम भी हो गई और सूरज भी ढल गया है और हम भी निकलते हैं, बहुत लोग भी आ गए, पर जब हम थे तो कोई था भी नहीं, अब तो लोग आ चुके हैं यहाँ पे, शायद ये आसपास के लोग होंगे, दूर वाले तो लोग होंगे नहीं, तो इसलिए यहाँ पे घूमना ही होंगे। और सनसेट कितना प्यारा हो रहा है, पानी की आवाज़ पता नहीं यहाँ पे फ़ोन में रिकॉर्ड हो पाएगी नहीं हो पाएगी, मैं आपको दिखाती हूँ, देखो मेरे पत्थर कितने सारे हैं, देखो बड़े बड़े पत्थर, और मैं आपको सनसेट दिखाती हूँ, देखो मेरे पीछे सनसेट हो रहा है इस पॉइंट पे, लेकिन कैमरा अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहा है इस पॉइंट पे, मेरा वो कैमरा नहीं कर पा रहा है, लेकिन जब मैं आई थी तो ऊपर था सन और अब सनसेट होने वाला है, तो चलते हम भी, अब अंधेरा होने वाला है क्योंकि अब ठंडी का मौसम है तो जल्दी अंधेरा हो जाता है, ठीक है। तो अब पता नहीं रास्ते में कैसे कैसे कुछ मिल ना जाए हमें भाई हाथी वाथी, क्योंकि ना हाथी भी ना यहाँ पे पालतू हाथी नहीं होते, सब जंगली हाथी होते, तो जंगली हाथी ना नुकसान भी कर देते हैं बहुत, ऐसा नहीं है कि भाई पालतू हाथी है तो कोई संभाल लेगा, कोई नहीं संभाल पाएगा फिर उन्हें। तो चलते हैं अब, पीछे पहाड़ देखो यार, यहाँ पीछे पहाड़ है, चलते हैं फिर। कितना प्यारा लग रहा है ये देखो, पीछे पहाड़ अब दिख रहे होंगे आपको, फोकस कर देते हम, पूरा पानी 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 हो रखा है, मतलब अगर किसी को सनसेट देखना है ना तो यहाँ से बैठे बैठे सनसेट वो यहाँ पे आके एकदम देख सकता है, और ये ऊँच नीचे है, हम हमारी गाड़ी देखो वहाँ खड़ी है ऊंचाई में, तो इतने बड़े बड़े पत्थर भी है ना यहाँ पे, सब देखो कितने बड़े बड़े पत्थर है सब का सब, कितना प्यारा लग रहा है। अब चल रहे हैं हम लोग क्योंकि अब अंधेरा भी होने वाला है, तो यार देखो कितना प्यारा लग रहा है, अब जा रहे हैं हम क्योंकि अंधेरा हो जाएगा जाते आते, नीचे गए थे हम और सनसेट भी हो रहा है अभी, और यही है ग्रासलैंड क्योंकि यहाँ पे जो ग्रास है ना यही इसको ही ग्रासलैंड कहते हैं। तो फिर चलते हैं, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, बहुत मुश्किल से वीडियो बनती है यार, ठीक है, और कुछ लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक। तब हम जा रहे हैं, अब देखो कितना प्यारा लग रहा है ग्रासलैंड, बहुत ही अंदर में है ना, मतलब बोगामाटी से भी दूर है पता, ये देखो दूर भी है, लेकिन यार अगर रास्ता वास्ता अगर कुछ ठीक हो ना तो सही है, रास्ता तो रास्ता भी तो ख़राब है, रास्ता भी ठीक नहीं है ना, इसलिए रास्ते ठीक नहीं है, तो बोगामाटी भी ऐसी था, अब सही हो गया थोड़ा बहुत, ये रास्ता अभी 2-3 महीने चलता है, बाकी दिन तो नहीं चलता है ना, हाँ इसलिए बनाते नहीं है, 2-3 महीने चलेगा, तो हम कभी और आएंगे अच्छे से घूमेंगे, जब कभी दिन में आएंगे ना तो यहाँ पे पिकनिक प्लेस है, तो यहाँ पे खाना वाना सब लेके आएंगे और यहाँ पे एक दिन पिकनिक बनाएंगे, और हमारा यहाँ रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है तो वीडियो भी ढंग से बनेगी नहीं, तो बाकी हम आपको घर पहुँच के बताएंगे, अब घर जा रहे हैं कम से कम 1 घंटा लग जाएगा हमको घर जाने में, तो चलो
देखो भाई क्या खतरनाक रास्ता हो रहा है हमारा। हेलो, एकदम मस्त रास्ता हो रहा है ये। क्या यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है? इसका भी अलग मजा है। गाड़ी वाड़ी सब आ रही है। अब हम जा रहे हैं घर, बीच में रुक के चाय पियेंगे क्योंकि हमारे सर में, तीनों के सर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत धूप थी इसलिए, है ना। तो अब देखते हैं, थोड़े पास जब पहुंच जाएंगे ना घर के, जब आने वाले होंगे तब हम लोग चाय पी लेंगे। चाय पत्ती ना, काट काट के लेके आते हैं वो, तोड़ता है ना। फिर मशीन में डालेंगी। चाय आ गई है, हम चाय के लिए ही रुके थे यार, बहुत सर में दर्द हो रहा था इसलिए अब चाय ब्रेक ले लिया। शाम हो गई है ना, चाय का टाइम भी हो गया इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। तो तीन चाय आ चुकी है हमारी, चाय पीते हैं। तो इस होटल में रुके हुए हम, यहाँ से घर ज़्यादा दूर नहीं है, घर ज़्यादा दूर नहीं है ना यहाँ से, अरे पास ही है बस, अगले चौक में हमारा घर है शायद, है ना, 20 मिनट का रास्ता है। तो यहीं पे हम खा लेते, चाय वाय पी लेते, ठंड भी लग रही है, ठीक ही है। तो फिर अब जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक इस ब्लॉग को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं फिर, बाय।